वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने दो पंप लेकर के आया हूं। दोनों पंप की हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों पंप के बारे में बात करेंगे, किस तरह का डिजाइन है, कैसे काम करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों वो लोग जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए बात है ऐसी कि आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दो पंपों की, यानी कि ये दोनों लिंगवर्धक यंत्र हैं। इंद्रिय वर्धक यंत्र भी कहा जाता है, पेनिस एनलार्जमेंट पंप भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही है, और काम क्या है कि ये लिंग की एक्सरसाइज के काम आते हैं। इनसे लिंग की एक्सरसाइज की जाती है। जब आप इनसे लिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो इससे फायदा ये मिलेगा कि आपके लिंग की लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी और लिंग का ढीलापन भी दूर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों पेनिस एनलार्जमेंट पंप हैं। एक जिसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर लगा हुआ है और दूसरे के अंदर यहाँ पर प्रेशर बनाने के लिए बलून दिया गया है। दोस्तों अगर आप लिंग के छोटेपन से, पतलेपन से, टेढ़ेपन से परेशान हैं और अपनी पत्नी के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, तो दोस्तों हमारे डॉक्टर्स की टीम ने तैयार किया है कैपिटल पी कैप्सूल, जिसके अंदर 100 जड़ी बूटियों की ताकत है और ये आपके लिंग की साइज को खोलने में मदद करेगा। लिंग लंबा दिखेगा, मोटा दिखेगा और लिंग का टेढ़ापन भी दूर होगा, क्योंकि इसके अंदर है जिनसेंग की ताकत, दामियाना, हॉथोर्न, सापामेटो, कटवाबा, इतनी जड़ी बूटियों की इसके अंदर ताकत है। दोस्तों इसमें गोखरू की ताकत है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी, साथ में अगर आप शीघ्र पतन की समस्या से परेशान है तो उसमें भी आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी कैप्सूल। तो आज ही अपनी समस्या को दूर करने के लिए और कैपिटल पी मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए। पहले हम मीटर पंप की बात कर लेते हैं। देखिए लिंगवर्धक यंत्र है ये भी और ये भी। इसके अंदर खासियत ये है कि इसमें मीटर लगा हुआ है। अब ये मीटर क्यों लगा हुआ है, इससे क्या फायदा होता है, उससे पहले आप पंप की पूरी बनावट जान लीजिए। ये पंप का सिलेंडर है जहां से वैक्यूम बनता है इसके अंदर, आप देखेंगे, और इसमें स्केल भी बना हुआ है। यहाँ पे आपको लिंग डालना होता है और इसके अंदर आपको दिखाई भी देता है साफ साफ कि लिंग आपका कितना आगे बढ़ना है, कितना खिंचाव हो रहा है। साथ में मीटर का फायदा क्या है, मीटर का फायदा ये है कि जब आप इसमें प्रेशर बनाते हैं तो प्रेशर जब आप बनाएंगे तो मीटर में शो होगा कि कितना प्रेशर आपके लिंग के ऊपर बन रहा है। ये सुई जो उसकी है वो ऊपर उठ जाएगी और ये प्रेशर दिखाएगी कि कितना प्रेशर बन रहा है। अब इसमें प्रेशर बनाने के लिए क्या है, इसमें प्रेशर बनाने के लिए ये है, ये ऐसे जब करेंगे तो यहाँ से प्रेशर बनेगा और ये देखिए सुई धीरे धीरे सुई ऊपर उठेगी। अब मैं क्योंकि मैं अपने अंगूठे पे इसमें प्रेशर बना रहा हूँ तो ये प्रॉपर इसमें नहीं बन पा रहा, लेकिन जब आप इसे लिंक पे बनाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर प्रेशर बनेगा। ये वो जगह है जहाँ से प्रेशर को बटन दबा करके निकाला जाता है, इस जगह से। तो दोस्तों ये प्रेशर बनाने के लिए है और ये प्रेशर निकालने के लिए है। इसमें अलग इसको जो करता है पंप को, जो उसकी खासियत है, वो उसकी खासियत है इसमें लगा हुआ मीटर। मीटर शो करेगा कि कितना प्रेशर बन रहा है। उससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे मीटर पंप से तो आपको प्रेशर जो बन रहा है वो आपको महसूस तो होगा, दिखाई भी देगा, लेकिन कितना वैक्यूम बन रहा है, उसकी कितनी मेजरमेंट है, वो आपको मेजरमेंट यहाँ इसमें शो होगी कि कितना दबाव पड़ रहा है, वो ये सुई बताएगी। और यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे निशान भी बने हुए, तो इससे ये अंदाजा रहेगा आपको कि जब मैंने पिछली बार यानी कि लास्ट टाइम जब मैंने एक्सरसाइज करी थी इससे तो कितना प्रेशर बना था और अब कितना प्रेशर बन रहा है, तो उससे आपको प्रेशर बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेशर का आपको ध्यान रहेगा कितना प्रेशर बनाना था, तो आपको अगली टाइम में ये रखेगा ध्यान कि कितना प्रेशर आपको बनाना है, इसलिए यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। नहीं तो ये पंप अगर बात करें क्वालिटी की तो बेस्ट है, दोनों ही पंप अच्छी क्वालिटी के हैं। ये वाला जो पंप है इसका नाम है हैंडसम अप्पा, ये भी अच्छी क्वालिटी का पंप है। इसका जो सिलेंडर है ये भी फाइबर का बना हुआ है, ये भी फाइबर का बना है, ये भी फाइबर का बना है। इसके भी ऊपर स्केल दिया गया है। अब इसमें यहाँ पर एक पाइप, जैसे कि इसमें पाइप लगा है, यहाँ भी पाइप लगा है। यहाँ पर जो प्रेशर बनाने का जो तरीका है वो ये बलून है, ये यहाँ से प्रेशर बनेगा। और इसके साथ में तीन रबड़ भी आती हैं जो कि तीनों अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग साइज की हैं, यानी कि आप अपने लिंग के साइज के अनुसार इसमें जो आपको स्लीव लगानी वो लगा सकते हैं। इसको पंप की स्लीव बोलते हैं। यहाँ बलून दिया गया है, इससे प्रेशर बनाना है, और प्रेशर निकालने के लिए जैसे वहां पर बटन दिया गया था ऐसे यहाँ पर भी ये बटन दिया गया है, इसको दबा करके प्रेशर को निकाला जाता है। और ये सिलेंडर मैंने बताया फाइबर का बना है, ये भी फाइबर का बना है। इसका प्लेन है सिलेंडर, इसके सिलेंडर के ऊपर क्या है कि डिजाइन बना है। और थोड़ा सा गिर्थ की बात करूं तो इसकी जो सिलेंडर की गिर्थ है वो थोड़ी इससे ज्यादा है, यानी कि इसकी जो मोटाई है सिलेंडर की वो ज्यादा है। अब एक्सरसाइज करने का तरीका दोनों का सेम है, आप चाहे इससे समझ लीजिए एक्सरसाइज करने का तरीका या इससे समझ लीजिए,
दोनों के अगर अंतर की बात करूं तो अंतर ये है कि इसमें मीटर लगा हुआ है और इसमें प्रेशर बनाने के लिए बलून दिया गया है, ये इन दोनों में अंतर है। लेकिन क्वालिटी की बात करूं तो दोनों सेम क्वालिटी के हैं, दोनों ही फाइबर के बने हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी के हैं। अब एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ऑयल से मालिश करनी होगी। ऑयल कौन सा होना चाहिए? ऑयल ये है इसके साथ में, गो गिबन इरेक्शन ऑयल। इसके पंप आप चाहे ये वाला लें या ये वाला लें, दोनों ही पंप के साथ में 30 ml ऑयल दिया जाता है। ये 100 ml ऑयल है, अगर आप चाहें 100 ml ऑयल अलग से मंगा सकते हैं क्योंकि 30 ml ऑयल तो साथ में आना ही है। अब क्या है कि एक्सरसाइज कैसे करें, सबसे पहले आपको ऑयल से मालिश करनी है। मालिश कर ली आपने, लिंक के ऊपर ऑयल लगा लिया, जब लिंक में तनाव आ गया तो लिंक को ऐसे अंदर डाल दिया और यहाँ से आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको खींचना है, इसमें आपको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खींचना है। इसमें तो ये करना आपको प्रेशर बनाने के लिए, और इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको ऐसे बटन, ये आपको इसमें ऐसे बलून दबाना है, इसमें दबाना है और इसमें खींचना है, ये भी फर्क है दोनों में। जब आप ऐसे इसको प्रेशर बना लेंगे, प्रेशर बन जाएगा तो 3 मिनट तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। 3 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो बटन दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, यहाँ पर इसमें यहाँ दिया गया, इसको दबा देना है, इससे जो प्रेशर बना है वो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ऐसा आपको 3 बार करना है तो जो टोटल एक्सरसाइज होगी आपकी 9 से 10 मिनट के आसपास एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज दिन में एक ही बार करेंगे, ज्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, दिन में एक ही बार करनी है और प्रेशर कम रखना है। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इनमें से कोई भी पंप आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आपको ये करना है कि जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है उस पर कॉल करनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो जो एड्रेस आप देंगे उस एड्रेस पर आपको ये कैश ऑन डिलीवरी सुविधा के साथ पहुँचा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।